हो गया चलो भी सुनिए, जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम लोगों ने बहुत प्रकार के पढ़े, जैसे पहला लिंगानुपात पढ़े, दूसरा आयु संरचना पढ़े, तीसरा आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग संरचना देखी बात है, तीसरा वो पढ़े, चौथा हम लोगों ने चौथा ये चीज देख रहे हैं हम लोग ग्रामीण और नगरीय संगठन, अब इसको देखेंगे, पांचवा में देख रहा है साक्षरता और छठा में देख रहा है व्यावसायिक संरचना, तो चौथा में बात अगर आ गई तो ग्रामीण और नगरीय संगठन में देखें क्या बात है रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन में, कि ग्रामीण मतलब समझते हैं जो गांव में निवास करते हैं, नगरीय मतलब जो नगरों में निवास करते हैं, रूरल एंड अर्बन, तो निवास के आधार पर, निवास लोगों के रहने के आधार पर और रेसिडेंस के आधार पर कहते हैं कि आदमी दो जगह पर पाए जाते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र में और एक नगरीय क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में का मतलब होता है कि वैसे लोग जो गांव में रहते हैं, यानी गांव में रहने वाले जनसंख्या को बोलते हैं हम लोग ग्रामीण जनसंख्या या ग्रामीण क्षेत्र के लोग, और इनका जो काम है वो है प्राथमिक कार्य से जुड़े रहना, प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी सेक्टर से जुड़े रहना, जैसे कृषि कार्य करना उसको बोलते प्राथमिक कार्य, यहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकांशतः खेती पे जुड़े होते हैं, वो लोग कृषि कार्य करते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र। तो यह तीन बातें समझ में आ गई है, ग्रामीण क्षेत्र गांव में रहने वाले जनसंख्या कहते हैं और इनका कार्य है क्योंकि प्राथमिक कार्य को संपादित करना, दूसरा है नगरीय क्षेत्र, इसका नाम से बताया कि वैसे जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है या नगरों में रहने वाले जनसंख्या को बोलते हैं लोग नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या, इनका काम क्या है तो गैर प्राथमिक कार्य में संलग्न रहना, गैर प्राथमिक कार्य का मतलब क्या है, प्राथमिक को छोड़कर जितने भी आते हैं सेकेंडरी टर्शरी फोर में जितने भी आते हैं इस सब कैसे चले जाएंगे, सब नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग यही प्रकार काम करते हैं जो प्राथमिक कार्य में शामिल नहीं होते हैं उसको बोलते हैं गैर प्राथमिक कार्य करना। तो दोनों बात समझ में आ गया, फिर सुन लो, ग्रामीण नगरीय संगठन में निवास के आधार पर जनसंख्या को दो भागों में बांटा गया, एक प्रकार की जनसंख्या जो गांव में रहती है जिसको बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या, और एक प्रकार की जनसंख्या जो नगरों में रहती है उसको बोलते हैं नगरीय जनसंख्या या नगरीय क्षेत्र वाली जनसंख्या। ग्राम में रहने वाली जनसंख्या को मतलब ग्रामीण क्षेत्र किसको बोलते हैं, वैसी जनसंख्या जो गाँव में रहती है उनको बोलते हैं ग्रामीण जनसंख्या या गांव में रहने वाली जनसंख्या, इनका कार्य है प्राथमिक कार्य करना, सिंपल प्राथमिक कार्य करना, यानी प्राथमिक कार्य मतलब प्राइमरी सेक्टर मींस खेती बाड़ी करना। दूसरा है नगरीय क्षेत्र यानी नगरों में रहने वाली जनसंख्या को बोलते हैं नगरीय क्षेत्र, यानी वैसे लोग जो नगरों में निवास करते हैं उसको बोलते हैं नगरीय जनसंख्या, क्योंकि दोनों को ही काम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि काम नहीं फिर खाना कैसे मिलेगा, तो गाँव में रहने वाले काम दिखा दिए और शहर में रहने वाले लोग भी काम देखिए क्या है, गैर प्राथमिक कार्य यानी प्राथमिक कार्य में संलग्न रहता है, प्राथमिक कार्य के अलावे जो भी काम आता है वो सारे काम कौन करते हैं, वो नगरीय क्षेत्र वाले लोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं विकसित देशों की बात करूँ, विकसित विकसित और विकासशील, विकसित मतलब पूरी तरह से डेवलप हो गया अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, और विकासशील मतलब अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी उसको बहुत सारी चीजों को जुटाना है। तो विकसित देशों की बात करें तो यूरोप, ये क्या है, एक महादेश है, यूरोप विकसित देशों में यूरोप एक महादेश है, जिसे बोलते हैं कि यूरोप के गांव में अगर देखते हैं तो गांव में पुरुष अधिक और यूरोप के ही नगर में महिला अधिक, दोनों अधिक, देखिए यूरोप के अगर बात करें गांव और नगर में तो पुरुष भी अधिक मिलते हैं गांव में और महिला भी मिलते हैं नगर में, नगर में महिला भी मिलते हैं अधिक, दोनों जगह गाँव में पुरुष अधिक नगर में महिला अधिक, देखिएगा नगर में महिला अधिक क्यों है, नगर में महिला अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे सोचते हैं कि नगरों में रहने से क्या होती है, नगरों में क्या होता है, बुराइयां कम है, नगरों में रोजगार के अवसर ज्यादा है और नगरों में किसी भी प्रकार का बाधित नहीं है, यहाँ पर सब शिक्षित महिलाएं रहती हैं और ये किसी भी काम को संपाद करती है, तो काम की खोज में सब यूरोप वाले क्या करते हैं, गाँव में पुरुष रह जाते हैं और नगर महिला क्या होते हैं नगरों में ज्यादा हो जाते हैं, तो दोनों ही जगह में ज्यादा है, एक में पुरुष ज्यादा है एक में महिला ज्यादा है, गांव में पुरुष अधिक है नगर में महिला अधिक है, इस बात को याद कर लीजिएगा, ये दोनों एक ही लाइन पर है। विकासशील देश की बात करें तो एशिया में जो देश है वो विकासशील है, हमारा इंडिया को ले लो, हम लोग इंडिया में क्या है विकासशील देश है, अगर यहाँ इंडिया के गांव और नगर की तुलना करें तो इंडिया के गाँव में महिला अधिक जबकि नगर में पुरुष अधिक रहता है। फिर सुन लो कि अगर मैं एशिया जिसको विकासशील बोलते हैं यहाँ के गाँव में देख रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल चीजें आप भी देख सकते हो कि गाँव में महिलाएं रह जाती है और नगर लेकिन नगर पुरुष जो है गांव से निकलकर कहां चले जाते हैं नगर की ओर चले जाते हैं, कारण क्या है कि विकासशील देशों के गांव में महिला अधिक क्यों है, देखिए विकासशील देशों के गांव में महिला अधिक क्यों है पुरुष यहां पर कम क्यों है, या फिर यहां पर पुरुष अधिक क्यों है महिला कम क्यों है, एक ही बात है दोनों,
यहाँ सबके आंसर दिया, देखिए कि विकासशील देशों में नगरों की में आवास की कमी, ऐसे महिला मानती है कि अगर नगर जाएंगे तो नगरों में रहने का दिक्कत होता है, समस्या होगी, तो फिर हम गांव में ही ठीक है, इसीलिए गांव में महिला रह जाती है और पुरुष यहां से निकलकर शहर में चले जाते हैं। तो ये बात पहला बात है, नगरों में आवास की कमी ऐसा वो लोग सोचते हैं। दूसरा, रहन सहन में अधिक खर्च है, क्योंकि गाँव कम खर्चा वाला है, नगर ज्यादा खर्चा वाला है, इसीलिए महिला ये सोच कर रह जाती है कि अगर जाएंगे तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो कमाएंगे क्या, तो रहन सहन में अधिक खर्च है, इसलिए महिला क्या करती है, गांव में ही रह जाती है, नगर की ओर नहीं जाती है। तीसरा है महिला सुरक्षा की कमी, महिला ऐसी सोचती है कि शहर में महिला सुरक्षा की कमी है, वहां पर ज्यादा अच्छी तरह से हम लोग रह नहीं सकते हैं, वहां हमेशा खतरा बना रहता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, शहर की ओर नहीं जाते हैं बल्कि गाँव में ही रहते हैं। और अंतिम है रोजगार के अवसर में कमी, उनको मानना है कि गाँव में हमारे पास ज्यादा काम है, शहर में जाने को कुछ भी काम नहीं है, इसलिए लोग ये भी सोच के क्या करते हैं, महिलाएं गांव में ही निवास करती हैं, इसीलिए विकासशील देश जो भी हैं सबके गांव में महिला अधिक रह जाते हैं, पुरुष यहां से निकलकर कहां चले जाते हैं, नगर में, इसलिए नगरों में पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है। अब यहां देखिए ये जो कारण है कि नगरे यूरोप के नगर में हम पहले हमेशा बताया शुरू से डे वन से कि हम जब भी बात करेंगे महिला वाला बात करेंगे, पुरुष से यहाँ बात नहीं करेंगे। तो देखिये यहाँ पर मैं महिला की बात किया कि महिला अधिक क्यों है, देखिए ना महिला अधिक क्यों है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि यूरोप के गांव में पुरुष अधिक है लेकिन नगर में महिला अधिक क्यों है। यहाँ देखिए यहाँ बोला है कि गांव में विकासशील देशों के गांव में महिला अधिक है लेकिन विकसित देशों के नगर में महिला अधिक है, उल्टा है दोनों उल्टा है, क्यों ऐसा है। यहाँ देखिये गाँव में पुरुष अधिक, नगर में पुरुष अधिक, देखिये दोनों अलग है, यहाँ पर दोनों गाँव नगर देखिए महिला अधिक, वहां पर महिला अधिक नगर में, जबकि यहाँ गाँव में महिला अधिक है, यहाँ गांव में पुरुष अधिक है जबकि वहाँ नगर में पुरुष अधिक है, ऐसा क्यों है। तो मैं फिर से बताता हूँ गांव में महिला अधिक क्यों है, ये चारों रीजन है और ये चारों रीजन को उल्टा कर दो तो पुरुष का रीजन निकल जाएगा कि पुरुष का मानना है कि नगर में हम अकेले जाएंगे तो ज्यादा कमा कर आएंगे, गाँव में मेरे पास काम नहीं है, सुविधाएं नहीं है, पुरुष का मानना है कि नगर में अगर यदि अपने परिवार को लेके जाएंगे तो वहां पर ज्यादा खर्च मिलेगा, अगर हम अकेले चले जाएंगे तो क्या होगा, खर्चा की कमी आएगी, इसलिए पुरुष निकल जाते हैं फैमिली को लेकर नहीं जाते हैं। दूसरी बात, पुरुष का कहना है क्या, वहाँ क्या करना है कि महिला सुरक्षा की कमी है तो, लेकिन पुरुष में कोई दिक्कत नहीं है, पुरुष जहाँ तहाँ वो जा सकते हैं, दिक्कत इसमें कोई समस्या नहीं है, इसलिए पुरुष क्या करते हैं नगर की ओर प्लान करते हैं और नगरों की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं जबकि महिलाएं यही सब सोच के घर में सिमट कर रह जाती है। लेकिन यूरोप की महिलाएं ऐसा नहीं सोचती है, यूरोप की महिलाएं ऐसा नहीं सोचती, कारण क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप क्या लिखोगे, बस इसी क्वेश्चन लिख देना है कि विकसित देशों के नगरों में महिला अधिक क्यों है, महिला अधिक है नगरों में, तो इसका भी तीन पॉइंट लिख लो फटाफट, तीन पॉइंट लिख लो इसका, तीन पॉइंट जिसका भी है ध्यान में लिखिएगा। लो पहला पॉइंट जो है वो है क्वेश्चन बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन बाद में लिख लीजिएगा, गाइड छोड़ दीजिएगा, रोजगार की अधिक संभावना, रोजगार की अधिक संभावना, अधिक संभावना ये पहला है। दूसरा जो है लिखा गया है कि सामाजिक बुराइयां कम होना, सामाजिक बुराइयां कम होना, और तीसरी बात जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महिलाओं का शिक्षित होना, देखिए महिलाओं का शिक्षित होना, महिलाओं यहां दिख रहा है ना, शिक्षित होना, ये सबसे मेन रीजन है। मैं भी आता हूं पहले थोड़ा लिख लो, तीन लिख लो बड़ा लिख लो, तो वही चीज जो मैंने बताया वो पॉइंट में लिखा दिया आपको कि क्या यूरोप के यानी विकासशील देशों के नगरों में महिला अधिक क्यों है, इसके तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट है रोजगार की अधिक संभावना, सही बात है, नगरों में रोजगार की अधिक संभावना रहती है लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं सोचती है, विकासशील वाले देशों की महिलाएं ऐसा नहीं सोचती है, उनका कहना है कि रोजगार में नगरों में आवास की कमी के साथ साथ यहाँ रोजगार के अवसर में भी कमी होती है, इसलिए वो लोग नहीं जाती है, जबकि विकसित देशों की महिलाएं ऐसा नहीं सोचती है, वो लोग क्योंकि क्यों नहीं सोचती है, क्योंकि वो लोग महिलाएं, तीसरा पॉइंट जिम्मेदार समझिए कि वो लोग महिलाएं क्या होती है, वहां की महिलाएं शिक्षित होती है और शिक्षा होना बहुत जरूरी है, शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, मैं बार बता रहा हूँ, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हो बाहर में जब निकलोगे ना, जब बाहर जाओगे कभी किसी भी सेंटर में एग्जाम देने या कहीं बाहर जाओगे तब तुमको पता चलेगा शिक्षा का महत्व, इस एरिया में रहकर शिक्षा का महत्व पता नहीं चलता है, इस एरिया में जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं ये जिला में जो भी गाँव है या जिला खुद, यहाँ पर शिक्षा का पता हमें नहीं चलता है, कारण यहाँ पर पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन जैसे ही इसके बाहर एक स्टेशन निकलोगे आपको पढ़ाई का महत्व समझ में आने लगेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर यहाँ इस तरह की सोच वाले लोग वहां पर नहीं रहा करते,
आप यकीन नहीं करोगे, वहां पर जो जो मैं जब एग्जाम दे रहा था ना, कल को एग्जाम दे रहा था मैं, और जो मेरे साथ गया उसे पूछ लेना, वहां पर एजेड एजेड की महिलाएं, एजेड पुरुष, बाल उड़ गया है, दाढ़ी मूछ पक गया है, फिर भी वो लोग एग्जाम सेंटर बैठ के एग्जाम दे रहा, पेपर घस रहा है। क्यों? शिक्षा का महत्व, उन लोगों को शिक्षा के बारे में पता है, जबकि यहाँ के लोग समय से पहले ही बहुत पैसा देख लिए हैं, जिस कारण से यहाँ पर शिक्षा को वैल्यू नहीं दिया जाता। लेकिन याद रखो, सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ का हार तो इतने निश्चित ही है। तो इसीलिए जो मेहनत करके चलेगा वो लंबा चलेगा, और जो झूठ का सहारा लेके चलेगा वो कुछ ही कदम जाने के बाद डगमगा जाएगा। उसको थोड़ा सा भी आहट मिलेगी थकान की तो वो तुरंत वहां सो जाएगा, और जो सोता है वो खोता ही सबको पता है। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत के अलावा और कुछ काम नहीं है। क्योंकि महिलाएं यहाँ मेहनत कर रही हैं तो पुरुष किस काम का, मैं बार बार बता रहा हूँ, पढ़ाई को कोई किसी को नहीं करना, अंतिम तक चलना जहां तक पॉसिबल हो, खुद के दम पर, घर वालों के दम पर जैसे ही हो चलेगा, पढ़ाई कुछ कभी नहीं कीजिएगा। पढ़ाई ही जो बोलता ना कि किताब ही मेरा सच्चा मित्र, विद्या मरने के बाद कुछ भी नहीं जाया करते, एक एक पेन भी तुम्हारा साथ जाया नहीं जाएगा, धन दौलत तो छोड़ ही दो, इस सब इफेक्ट को सब जानते हैं, कुछ भी नहीं जाया करता, कुछ भी नहीं जाता साथ में, सिवाय एक चीज का, वो है विद्या, आपका ज्ञान, आपने जो इतना दिन अर्जित किया ना, वो ज्ञान नहीं जाता आपके साथ जाता, बाकी सब ये रह जाता, दरासा ही हो जाता है, समझ बात को। क्योंकि हम लोग का कलम की ताकत बहुत ज्यादा है, अस्त्र शस्त्र ज्यादा ताकत है कलमों में, इसलिए कलम को हमेशा छोड़ी मत, कलम को चलाते रहिए आजीवन, जब तक अपने प्राण है तब तक चलाते रहिए। कलम चलना चाहिए, कलम रुकना नहीं चाहिए, दिमाग चलते रहना चाहिए, हमेशा नए थॉट को जन्म देते रहना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रखना, और एक बात और याद रखना है कि पढ़ाई का वैल्यू हमें हमेशा अपने साथ में करना है। विद्या एक ऐसा धन है जिसको कितनों भी बांटो वो खर्च कभी नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता चला जाता है। भले इतना देर के लिए आप सुनोगे अच्छा लगेगा, फिर कुछ देर बाद फिर वही जो करते वही काम करोगे, तो वही करते रहना। लेकिन जब कभी भी इस चीज का सच का एहसास तो एक दिन आदमी को होता, सच्चाई का एहसास, और जिस दिन वो एहसास आपको होएगा उस दिन बहुत बहुत लेट, क्या होता लेट यानी बहुत बहुत समय बीत जाएगा, उस समय आपके फायदा नहीं है, वापस रिवर्स भी नहीं हो सकते हो आप, क्योंकि रास्ते बंद हो जाएंगे। और एक कहावत है ना कि अब पछताए हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत, वही हाल नहीं करना मेरे को, क्योंकि ये चीज हमें देख लिया है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि क्या नहीं, एक्सपीरियंस आदमी के साथ रहिए, एक्सपीरियंस आदमी के बातों को सुनिए, फालतू आदमी के साथ बिल्कुल भी दोस्ती ना बढ़ाइए, फालतू दोस्त, फालतू बंधु मित्र जो भी हैं, जो अनायास बातें करते बरगलाते हैं उसके साथ ना रहिए। जो आगे बढ़ चुका है, जो रास्ते में चल गया, भले वो सक्सेसफुल हो या ना हो अलग बात है, लेकिन कभी सक्सेस की खोज में तो चला था, तो वो चीज सारी चीज जानते हैं, उनके साथ रहिए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि लाइफ आपका है, जीना आपको है। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसके संदर्भ में कि यहाँ पे यूरोप में, यूरोप को क्यों विकसित कहा गया है, क्यों विकसित कहा, क्योंकि यहाँ पुरुष से लेकर महिला सभी कोई शिक्षित है, यहाँ पुरुष से लेकर महिला सभी कोई अपने बारे में जानते हैं, यहाँ पुरुष से लेकर महिला सभी लोगों को ये पता है कि आगे की जिंदगी क्या होने वाली है। इसलिए इसको देखिए, सबसे पहली बात है कि विकसित देश, विकसित लग गया, विकसित मतलब आप कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा पेट भरा हुआ है यूरोप, तो इसीलिए देखो यार गांव में पुरुष अधिक, नगरों में महिला अधिक, तो पुरुष को क्या छोड़ दो, पुरुष कहीं से कमा लगा, लेकिन महिलाएं जिसको शिक्षा से वंचित करा गया था पहले, वो महिला नगर अधिक नगरों में क्या कर रही है, जबकि हमारा इंडिया में ऐसा नहीं है, हम लोग एशिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो देखो गाँव में महिला अधिक है, देखो नगर महिला अधिक है, ऐसा क्यों है, दोनों कारण में बता दिया कि नगरों में महिलाएं अधिक इसीलिए है विकसित देशों में, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि रोजगार की अधिक संभावना है, एक नहीं तो दो नहीं तो तीन नहीं तो चार, हर एक प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, जहां चाहे वहां अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि आया हुआ टैलेंट, क्योंकि उसके पास क्या है, शिक्षा है, एजुकेशन है, वही एजुकेशन है, इसीलिए वो क्या चाहती है, मैं नगरों में ही जाऊंगा, और नगरों में जाकर वहां पर भीड़ बढ़ा देता है, समझो आपको, तो नगरों में देखते हो ना महिला पुरुष सब काम करते, आज का डेट ऐसा है ना जहां पर दोनों को काम करना पड़ेगा, पहले जमाना अलग था जब केवल पति काम करते थे पुरुष, अभी महिला पुरुष दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा, अगर काम नहीं किया ना तो चक्का जाम हो जाएगा, और एक चक्का जहाँ जाम हुआ गाड़ियां कहीं बढ़ते हैं, वो पता होना चाहिए। तो आज के डेट में बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत समस्याएं है, सबको पार करके चलना पड़ेगा, और आज के समय फिर बता दो, आज के समय में दोनों को ही कमाना पड़ता है, दोनों नहीं कमाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसीलिए आप चाहते हो किसी पर हम बोझ बने, नेवर, किसी पर बोझ बनाना चाहिए, लड़कियां, लड़का तो फिर कमाना ही है, कुछ भी करो लड़कों को कमाना ही पड़ेगा, कुछ भी करो, एक घंटा काम करो, दो घंटा काम करो, करना ही पड़ेगा, वो एक कहावत नहीं सुनो को, आराम, मेहनत करने की उम्र में अगर जितना आराम करोगे
तो आराम करने की उम्र में आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अभी मेहनत का उम्र है तो मेहनत कर लिया जाए, आराम की उम्र में अपने आप आराम आ जाएगी। और अगर जैसे उल्टा करना चाहते हो तो उल्टा समय ही आएगा। जैसे बोलता ना एक चीज और, मैं बहुत चीज बताता हूँ, समुद्र में ना, समुद्र तुमको वापस क्या लौटाती है, जो तुम देते हो वही चीज वापस लौटाती है। समुद्र में जब घूमने जाते हैं बीच के किनारे, तो क्या करते हैं लोग, जो भी खाना बना लेके जाते हैं खान पान, वही फेंक देते हैं सामने किनारे, पानी के साथ बहकर चला जाता है। लेकिन जब पानी रिवर्स वापस आती है तो वही सारा चीज आपको देकर वो फिर चली जाती है। तो ऐसा ना हो, आप जिसको जैसे आप सम्मान दो वैसे आप सम्मान होकर भी लायक होंगे, गदार होंगे, पाएंगे भी। तो महिला यहाँ पर क्या सोचती है कि हमें यहाँ रोजगार की अधिक संभावना है, अधिक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम शिक्षित हैं, मेरे पास टैलेंट है, तो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, नगरों में चली जाती है और करती भी है। साथ में सामाजिक बुराइयां कम, यही सबसे मेन पॉइंट है कि सामाजिक बुराइयां यहाँ पर नहीं होती है। सामाजिक बुराइयां मतलब देखो गांव में क्या होता है, गांव इसलिए तो गांव में महिला रह गई है, गांव में जो है महिला क्यों रह गई है, इसी वजह से रह गई है। जबकि यूरोप के शहरों में या विकसित शहरों में इस बात का कोई है ही नहीं। चार आज महिला जहां जहां हुई तहां इधर का बात, उधर का बात, उधर का बात, सबको लगाने बजाना कर दिया, और उसमें क्या हुआ, एक प्रकरण झगड़ा हो जाएगा। समझ बात को, आप देखे गाँव में हालात देखे होंगे, कुएं पास, तालाब में, यारा पोखरी, जहां भी रहेगा महिला जहां जमा हुई, जानवर कहीं ना कहीं चुगलिया हो ही रही है, किसी का इधर का बात कान में, किसी का उधर बात, और कैसे बोलेगी, और कोई आएगा तो झूठे का बात उठा देगी, सब परपंच पता मेरे को। तो यही काम से कारण महिलाएं गांव में अधिक रह गई। और जानते हो तो महिलाएं की स्थिति, हम सबका नहीं बोल रहे हैं, महिलाओं की स्थिति गाँव में, जो परिवार शिक्षित नहीं है उनमें बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत ही कम खराब स्थितियां हैं। भले चाहे वो महिला खुद क्यों पढ़ लिखी हो, अगर अशिक्षित घर में चली गई तो वहां पर उसकी स्थिति क्या होगी, एकदम दयनीय होना ही होना है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक बुराई कम, नगरों में टाइम किसके पास है, नगरों में समय किसी के पास नहीं कि कोई किसी का चुगली या बुराई करे, महिलाओं बता रहे हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, सबको इग्नोर करते हुए बस अपने आप को देखते हैं, इग्नोर करते, रास्ता कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, आई एम अलोन, और उसमें क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक बुराई वहां पर बिल्कुल नहीं होता है, जिस तरह से महिलाएं अधिक वहां पहुंचती हैं, और महिला तो शिक्षित होगा ही, महिला शिक्षित नहीं होगी तो फिर रोजगार कैसे ढूंढेंगे उनको। तो इस प्रकार महिलाएं और पुरुष का तुलना मैंने कर दिया कि किस के कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। तो पुरुष को मैंने लिया ही नहीं, सिर्फ महिलाओं को लिया है कि विकसित देशों में महिलाएं नगरों में अधिक, लेकिन वही अपोजिट विकासशील देशों में महिलाएं अधिक गाँव में होती है। तो आई होप सो ये समझ में आ गया, इसको आप लिख लिया है, चलते हैं आगे। अब साक्षरता में जो सबसे मेन पॉइंट है, बेटा तो इसको सुनिए, अब आता साक्षरता लिटरेसी में। साक्षर भारत, देखिए सभी देशों में अलग अलग डेफिनेशन है साक्षरता का। मेरे देश में यानी इंडिया में क्या साक्षरता का डेफिनेशन परिभाषा है कि 7 वर्ष या इससे अधिक, 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का जो भी व्यक्ति है, जिसमें पढ़ने लिखने के साथ साथ उसको गणना करने की योग्यता रखता हो, यानी जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी करता हो, जैसे मन कर जाएगा कोई चीज का ऐसा किताब रखेगा, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन जोड़ घटाओ आना चाहिए उनको, उसी को बोलेंगे हम लोग साक्षरता, यानी साक्षर आदमी बोलेंगे, पढ़ा लिखा आदमी बोलेंगे। और जिसको इसके बारे में ज्यादा ये क्राइटेरिया को जो फुलफिल नहीं करता है वो साक्षर नहीं है, वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, सबको पता होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ कि साक्षरता का उम्र भारत में कहाँ से तय करा गया है, 7 वर्ष या इससे अधिक से, 7 वर्ष या इससे अधिक का आयु वाले वर्ग के लोग जो किसी भी भाषा में शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और समझना जानते हो, और साथ में जो थोड़ा बहुत इसको अंक गणितीय यानी गणना जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन मैथ आती हो, उसी को बोलेंगे क्या हम लोग साक्षर। अगर कोई व्यक्ति साक्षर होगा, कोई व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे तो वो क्या होगा, तो सामाजिक आर्थिक विकास का वो सूचक है। सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है मतलब समाज में क्या हो रहा है, उनके कार्यकाल क्या योगदान समाज में जा रहा है, या फिर हमारे देश में आर्थिक स्थितियां क्या है, वो सारी चीजों का वो ख्याल रख पाएगा। जो पढ़ लिखा आदमी है वो क्या रख पाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक, सक्षमता व्यक्ति सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो पढ़े लिखा आदमी के साथ क्या प्रभाव होते हैं, देखिए कि रहन सहन के स्तर में सुधार, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनको पता है कैसे रहना चाहिए कैसे रहना चाहिए, यानी छोटी छोटी चीजों को वो जानते होंगे, तो रहन सहन की स्थिति में सुधार जरूर करेंगे जो पढ़े लिखे आदमी रहेंगे। साथ में महिलाओं की समाज की स्थिति में सुधार, अगर महिलाएं पढ़े लिखी हैं तो वो भी अपने समाज की स्थिति को मजबूत बनाएंगे, समाज की स्थिति में जिस समाज में रहते हैं अपने आप को वहां पर सुधारेंगे, और भी कई लोग को सुधारेंगे, वो
शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होना, अगर पढ़ लिखे व्यक्ति है तो उनको शिक्षा का महत्व पता है, तभी वो साक्षर है, तो वो क्या करेंगे, जिस भी समाज में रह रहे हो, जहां पर भी रह रहे हो, वो शिक्षा के लिए उत्तम व्यवस्था करेंगे, प्रयत्न करेंगे, इसलिए शैक्षिक सुविधा का उपलब्ध वो कराएंगे ही कराएंगे। चौथा है सरकारी नीतियों को समझने में सहायक, जो भी सरकारी नीतियां जारी करती है, पॉलिसीज बनाती है देश के लिए क्या बनेगी, वहां का नागरिक के लिए बनाती है, उन पॉलिसियों में क्या हानि है, क्या लाभ है, वो सच है कि झूठ है, वो सारे नीतियों का, सारी सरकारी पॉलिसियों का, गवर्नमेंट पॉलिसियों को समझने में भी मदद करता है। ठीक है, तो याद रखना शिक्षित होना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने शिक्षा के बारे में बहुत चीज बताया, तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और शिक्षा के लिए मैं सारे क्राइटेरिया दिया हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा और थोड़ा जीवन में उतारिएगा भी। चलते हैं आगे, अब छठा और अंतिम जो है चैप्टर का वो है व्यावसायिक संरचना, और यह कार्यशील जनसंख्या, मैंने बताया था कार्यशील, मैंने आयु संरचना में पढ़ाया था तो बताया था कि आयु संरचना में लोगों की संख्या को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा दिया था, 0 से 14 बाल वर्ग, 1559 क्या बोलते कार्यशील जनसंख्या, और जो 60 से प्लस था वो था वृद्ध वर्ग, मैंने सिखा दिया था, लिखा दिया था, जिसमें से कार्यशील जनसंख्या मतलब होता है 1559 यहाँ इस उम्र के लोग काम करते निरंतर, और इन्हीं के ऊपर 0 से 14 और 60 वर्ष से अधिक, दोनों जनसंख्याएं, दोनों प्रकार के वर्ग आश्रित होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं आश्रित वर्ग बोलते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या, इसका कार्य क्या क्या है, 1559 से 59 साल के लोग क्या क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर सारे काम को दिया गया है, प्राथमिक कार्य करते हैं, कोई द्वितीय कार्य, कोई तृतीय कार्य, कोई चतुर्थक कार्य भी करते हैं। तो प्राथमिक कार्य जानते हैं कृषि है, पशुपालन है, लकड़ी काटना है, मछली पकड़ना है, खनन करना है, इसे प्राथमिक कार्य से जुड़े हुए हैं, ये एक करेंगे 1559 से 59 साल के लोग। साथ में द्वितीय कार्य में मैन्युफैक्चरिंग का, विनिर्माण उद्योग धंधा, निर्माण काम, ये सब मैन्युफैक्चरिंग, द्वितीय में तृतीय में व्यापार करेगा, परिवहन करेगा, संचार का अन्य सेवा जितने भी वो सब तृतीय में, और चतुर्थ में है अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी, रिसर्च वाले जितने चीजें हैं वो चतुर्थ में है, मतलब ये सब को डिवाइड करके अलग अलग पार्ट बनाया गया आपके चैप्टर में, ज्योग्राफी में आप इसके बाद प्राथमिक पढ़ोगे, द्वितीय सब अलग अलग पढ़ोगे, पूरा पूरा चैप्टर दिया गया है, एक और थोड़ा सा चीजें थी मैं बता दिया एग्जाम्पल, इसके बारे में पूरा चैप्टर दिया, उसमें जब आएगा तो पढ़ाऊंगा, लेकिन जो वैसे देश जो प्राथमिक कार्य से जुड़े होते हैं, याद रखना वैसे देश जो सिर्फ और सिर्फ, बात को ध्यान दीजिएगा, वैसे देश जो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक कार्य से जुड़े होते हैं, देश बोल रहे हैं लोग नहीं बोल रहे हैं, जो वैसे देश जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम से जुड़े होते हैं प्राथमिक कार्य से, उस देश को क्या बोलते हैं, या तो अल्प विकसित बोलते हैं, अल्प विकसित, या फिर उसको बोलते हैं विकासशील, क्या बोलते हैं विकासशील, जान लीजिएगा, वैसे देश जो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक कार्य से जुड़े होते हैं, प्राथमिक कार्य आप देख लिए, प्राथमिक कार्य जो गांव में जैसे काम होता है, गांव में कृषि होती है, गांव में पशुपालन होती है, गांव में लकड़ी काटना होता है, मछली पकड़ना होता है, खनन सब गांव में होते हैं, तो ये जो गांव वाले कार्य है, अगर इस कैटेगरी में जो देश आते हैं उस देश को बोलते हैं लोग क्या, या तो अल्प विकसित या विकासशील, और बाकी जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये जो फॉर्म में आते हैं, ये काम जो करते हैं जो देश, उसको बोलते हैं विकसित देश, क्या बोलते हैं विकसित देश, आप इसको बोलेगा नहीं, मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है, और दिक्कत होगा पूछ सकते हैं, तो इसको असुविधाएं यहाँ तक रही है ना, ठीक है, इसके बाद जो है देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं, भैया आपको अगले वीडियो में बताएँगे, धन्यवाद।